कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का बुधवार शाम गोवा में निधन हो गया। 73 वर्षीय कैप्टन शर्मा कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भारत बनकर अमेठी रायबरेली तक गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर संसद की ड्योढ़ी नागने वाले कैप्टन सतीश शर्मा 3 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। 80 के दशक में कैप्टन शर्मा को राजनीति में पूर्व पीएम राजीव गांधी लेकर आए थे। कैप्टन सतीश शर्मा एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और उसी दौरान राजीव गांधी भी पायलट हुआ करते थे। जहाज को हवा में उड़ाने के दौरान ही कैप्टन शर्मा और राजीव गांधी के बीच दोस्ती परवान चढ़ी। हालांकि राजीव गांधी ने सियासत में अपने भाई संजय गांधी के निधन के बाद कदम रख दिया था, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा पायलट की नौकरी में ही लगे रहे। साल 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी देश के पीएम बने। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को देखने के लिए अपने विश्वसनीय मित्र कैप्टन सतीश शर्मा को जिम्मेदारी देने का मन बनाया। रायबरेली के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा के निधन पर आज कृपा शंकर शुक्ला के आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की गई और परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करने के लिए उस से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रत्याशी साहब चरणपासी, कांग्रेस के जिला सचिव कृपा शंकर शुक्ला, जिला सचिव अल्पसंख्यक विभाग नानू नेता, पूर्व प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग मोहम्मद ताहिर, पूर्व प्रदेश सचिव अनुसूचित जाति विभाग माता प्रसाद, किसान मजदूर प्रकोष्ठ के ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष राम लखन लोधी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय दीक्षित, न्याय पंचायत अध्यक्ष अनिल शुक्ला, राजपाल भारती, राम विलास, सोशल मीडिया प्रभारी बचराव अशिवदास, अन्य लोग मौजूद थे। आपको बताएं कि अमेठी सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर आज बचराव में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। अत्यंत दुख की घड़ी है। कैप्टन साहब